पूजा की विधि दो तरह की है, एक तो वैदिकों के लिए जो वैदिक हैं या तांत्रिक हैं, वैदिक लोग वैदिक मंत्रों से, तांत्रिक लोग तांत्रिक मंत्रों से विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। कहा महाराज ना तो हम वैदिक हैं ना तांत्रिक हैं, हम तो सामान्य लोग हैं, हमारे लिए कोई पूजा का अगर विधान हो जो एक तो संक्षिप्त हो, दूसरे समझ में आता हो, हम कर सकें, तो वो हमको जरूर बता दीजिए। तो बता रहे हैं ये भगवान के आठ नाम हैं, चुने हुए आठ नाम हैं, हरो महेश्वर शंभु शूलपाणि पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्। भगवान शिव के आठ नाम बताए गए हैं, इन्हीं आठ नामों का प्रयोग करके सामान्य लोग भगवान शिव का पार्थिव पूजन कर सकते हैं और उनको पूरा फल मिलेगा। का कैसे? का देखिए, पहले बता दिया कि किसी जलाशय में जाकर के वहां के तलछट की मिट्टी निकालना है और उसको ला करके रखना है, उसी से शिवलिंग बनेगा जिसमें पूजा होगी। तो करना क्या है, ये आठ नाम भगवान के बताए, हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधृक् शिव पशुपति और महादेव, इन्हीं आठ नामों से पूजा होनी है भगवान की। तो क्या करें कि मिट्टी सामने रखी हुई है, ऐसे मिट्टी पे हाथ लगाया और बोले हराय नमः और ऐसे ले लिया, एक नाम का उच्चारण किया हराय नमः और यूं हाथ में लेके ऐसे ऐसे किया, लेते समय हराय नमः, और जैसे ही हाथ में रखा और ऐसे गोल घुमाने लगे शिवलिंग बनाने के लिए, महेश्वराय नमः, महेश्वराय नमः के है तब तक यूं किया तो गोल बन गया, कितना देर लगती, हराय नमः महेश्वराय नमः, और फिर जब गोल बन गया तो सामने रखा शंभवे नमः, माने प्रतिष्ठा हो गई, हराय नमः महेश्वराय नमः शंभवे नमः, और फिर शूलपाणये नमः, आवाहन करना है ये शूलपाणी आ जाइए, पिनाक दृशे नमः स्नान करा दिया, शिवाय नमः, अब जो चंदन और अक्षत है, विशेष करके जब पार्थिव पूजा होती है तो अक्षत ही मुख्य द्रव्य होता है, कहते हैं एक पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अगर एक अक्षत भी लगा दिया तो उसकी पूजा हो जाती है, ज्यादा मिट्टी के उसमें बहुत लंबा अभिषेक नहीं हो सकता। अभी आपने नई मिट्टी का शिवलिंग बनाया है और आप श्रृंगी से अभिषेक शुरू कर दें तो क्या होगा, जब तक अभिषेक होगा तब तक भगवान आएंगे नहीं, चले जाएंगे, आपके सामने से तिरोहित हो जाएंगे। इसलिए हराय नमः हाथ में रखा, महेश्वराय नमः शंभवे नमः एकाचमनि जल शूलपाणये नमः और चंदन अक्षत, शिवाय नमः हाथ जोड़ लिया, पशुपतये नमः और फिर महादेवाय नमः विसर्जन कर दिया, फिर दूसरा उठाया हराय नमः महेश्वराय नमः शंभवे नमः शूलपाणये नमः शिवाय नमः पशुपतये नमः महादेवाय नमः। ये लीजिए दोष पार्थिव शिवलिंग की पूजा हो गई। इसी तरह से एक एक पार्थिव पूजन का आठ मंत्रों से विधान बता दिया, इससे सरल क्या हो सकता है, इससे भी सरल कुछ होता हो तो व्यास जी को बता दो, व्यास जी इससे भी सरल बता देंगे। सरल से सरल उपाय, मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु पाने के लिए आपको बताई गई हैं शास्त्रों में, लेकिन क्या करें, आपको लगता है कि बहुत बड़ा आयोजन ही बहुत बड़ा फल देगा, नहीं नहीं, छोटे आयोजन से भी बड़ा फल मिल सकता है। इस तरह से पार्थिव पूजा का विधान बताया है, भगवान का ध्यान, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवरा भीतिहस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिलभयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ध्यान करे, का करना क्या है,